हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एनसीआर ट्रैवलर। एनसीआर ट्रैवलर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरी तरफ से थैंक्स अलॉट। बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी भी लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, कमेंट करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मोटिवेशन कर रहे हैं, सारी अपनी भाइयों को थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। और सब अपने ख्याल रखिएगा, अपनी सेफ्टी रखिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। आज वैसे भी लेट हो गया, 9:15 हो गया, तो आज का राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। मगन स्टेट में खड़ा हूँ, बदरपुर के पास। नेक्स्ट है, पहली राइड का वेट कर रहा है। आज देखते हैं कितना कमा सकता हूँ। ऑनलाइन करोगे? हो गया, थैंक यू। कैसे हो जी? देखो इसमें कितना हो जाता है, घंटे के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से देख लो। हाँ हाँ, इतना सोच के चलियो। केटीएम? ओ भाई, एक्सपेंस पता है केटीएम के कितना आएगा? नहीं, इतना ही मिलता है। भाई कह रहे केटीएम चला लो, केटीएम ले लो, अगर इतने पैसे कमा रहे तो। भाई कह रहे 1000 रुपये कमाते हैं, काम धाम सब जोड़ के, मतलब CNG वगैरह सब जोड़ के डालने के बाद 1000 रुपये मिल जाते हैं। 500 रुपये इनके किराया है, 500 रुपये डे के हिसाब से देना पड़ता है मालिक को, और CNG डाल के अपने खर्चे वगैरह जोड़ के 1000 रुपये मिल जाते हैं। कभी कभार ऊपर नीचे भी होते रहते हैं, हमारी बराबर है यार। जैसे टू व्हीलर चलाते ना, उतने ही इनका भी इनकम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। हेलमेट पहन लिया आपने? हाँ, हेलमेट पहन लिया आपने? ठीक है, थैंक यू। देखो, अपने दोस्त को छोड़ने के लिए मेरे पीछे बैठ के नहीं आ रहे। देखो इतना अच्छा खासा दोस्त कहाँ मिलेंगे। यहाँ के कुत्ता डराते लोगों को, फिर तो मिल के जाऊँगा भाई, बात करके जाना है। ऐसे क्यों डराएगा लोगों को? हाँ भाई, क्यों डरा रहे इसको? है क्यों डराते उसको? बच्चों को शर्म नहीं आता है? अब की बार डराते हुए देख लिया ना मैंने। भाई सीधे यहाँ गूगल मैप काम नहीं कर रहा है, कैसे ये सही जा रहा है? मेरी गूगल मैप बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, गूगल मैप बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। गूगल मैप काम नहीं कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, हेलो, मैं तो मैसेज कर रहा हूं। ओ बेटा, ये तो मुझे लद्दाख कश्मीर की याद दिला रहा है। हाँ जी, ये तो मुझे लद्दाख और कश्मीर की याद दिला रहा है। ऐसे उतारना और क्या, देखो कितनी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। राइट, देवली से कोई है भाई? हो ओके ओके ओके, थैंक यू। हेलमेट। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो दोस्तों, स्टार्ली नितिन, नेक्स्ट राइड ऑलरेडी बुकिंग है। पश्चिम बिहार पहुँच गया मैं, नेक्स्ट राइड काफ़ी दूर से ही आया हुआ था, 4-5 किलोमीटर दूरी से आया हुआ था, तो उनको पिक कर लेते हैं।
अच्छा लगता है, बिना रुके रेड मिल जाता है ना, कहीं भी हो किसी भी एरिया में हो, बिना रुके जब रेड आ जाता है ना, मज़ा आ जाता है काम करने के लिए। पता भी नहीं चलता सुबह कैसे हुआ है, टाइम कैसे कट जाता है। अपनी भाई है कोई यहाँ पर पश्चिम बिहार में? पश्चिम बिहार में तो कोई नहीं होगा, रोहिणी में है ना एक भाई, मेरे को मैसेज किया था रोहिणी से है। इस एरिया से कोई होगा तो हाथ ऊपर कीजिएगा। चलो सर। जी सर, चलो सर, चलिए सर, जब आपने बुक किया तो चलना ही है। वहाँ से काट दूँ ये रख रहे हैं लोग? नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन ही चलने दो। तो चल गाड़ी सब काट दूँ, रैपिडो काट दूँ, ओला काट दूँ। अच्छा सारे बुक कर रखे आपने, कैंसिल कर दे यार। नहीं कैंसिल कर दे यार, खामा खम आ जाएंगे बेचारे, आके परेशान हो जाएगा, सारे कैंसिल कर दो। 52 बाकी सारे कैंसिल कर दिया ना। हेलमेट पहन लेना। अरे हेलमेट नहीं नहीं नहीं, हेलमेट पहन लो भाई, बाइक वहाँ खड़ी है यार, ऐसे मत करो। नहीं जैसे मर्जी आप हेलमेट पहन लो, ठीक है, मेरे साथ चल रहे तो हेलमेट पहनना ही पड़ेगा आपको। अरे चलो मालिक और बताओ, मालिक तो आप ही, आपने मेरे को बुक कर रखा है, ऐसे बात मत करो। अरे भाई मैं ऐसे गलत काम, गलत बात किसी से भी नहीं कहता। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको छोड़ के आऊँगा, टेंशन मत लो। आधे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा बस। अरे सर ओके दोस्त, अच्छा वो आपसे मिलके, ग्लैड टू मीट यू, लगे रहो अपने, ठीक है, अरे मिलेंगे, मिलते जुलते रहे। ओके भाई थैंक यू। अरे नेक्स्ट रेड पिकिंग ऑफ सगीर से। हेलो, मैंने सोचा था कहीं रुक के चाय पीऊँगा, अब यहाँ से ओके, यहाँ सीधे जाना है 1.4 किलोमीटर। ओके सीन को सही है, थोड़ी सी यहाँ से राइट दिखा रहा है एरिया, ये बाइक किसी से पूछ लेते यार। कबीर बस्ती 628, थोड़ी सी कंजेस्टेड एरिया दोस्त। भैया कबीर बस्ती 628 कहाँ पड़ेगा? यही है 628 नंबर। नाम पर क्या बोला था यार, सगीर हुसैन। आगे जाके पढ़ना, हाँ ये रोड मैप भी यही दिखा रहा है मेरे को। ओके थैंक यू दोस्त। दोस्त ऐसे जगह में आते हो कभी आप लोग? मैं आता हूँ बिकॉज दिस इज माई ड्यूटी, एनी वेयर एनी टाइम अपन को बुला लेना। इनको बोल दो भाई दरगाह पे खड़ा हूँ, हाँ हाँ यहीं आ जाओ, अगर आप एड्रेस ढूंढोगे ना पूरी रात हो जाएगी आपकी। सही कह रहे हो, मैं भी परेशान हूँ थोड़ा सा। यहाँ ना भाई सारे एड्रेस छोटे सीधे हैं, हाँ। कबीर बस्ती की दरगाह है ना जो दरगाह, ठीक है भाई, ओके भाई जी थैंक यू। दोस्तों वहाँ से मैं भजनपुरा आया, भजनपुरा अंदर गांव में आया हूँ। अरे कितना 92, कितने का ट्रिप था? 62 रुपये कस्टमर से लिया है और 92 रुपीज़ मुझे मिला, मैं वही सोच रहा हूँ यार कैसे मिला ये। सी डिटेल ये देखो जी, इसमें क्लियर दिख रहे कि नहीं मुझे पता नहीं, 62 रुपये कस्टमर से लिया और मुझे मिला 92। चलो एक और रेड कंटिन्यू आ ही रहा था, जब तक मैंने उसे उठा लिया तो कट गया वो, कदम वहाँ निकलना पड़ेगा ना। ओ भगवान, ये तो पूरा ऑफ रोडिंग है यार।
कुत्ते से मजा ले रहे। इस एरिया में तो भाई दोस्तों कौन सा रेड मिलेगा भाई, पता नहीं मुझे कुएं कौन से, लेफ्ट जाओ राइट जाओ, राइट चला जाता है ना, गाजियाबाद में क्यों जाएंगे, फिर भी काफ़ी दूर जाना पड़ेगा मुझे। ये देखो, अरे चुप रहे यार, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा, तू बीच में बब कर रहा है, मैं तेरे को परेशान करता हूँ, नहीं है ना, मुझे परेशान मत किया कर, समझदार है, देखो चुप हो गया। चलो दोस्तों मुझे काफ़ी दूर बाहर जाना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा रोड रेड। दोस्तों भाई साहब जो है, क्या नाम है आपका? मेरा अनुज पाल। अनुज पाल जी, दिल्ली NCR पूरा चला लेते हो? ओला, काली ओला चलाते हो जी, जी। ओला से आपके नाइट में चलाते हो दिन में चलाते हो? नाइट में चलाते हो दिन में चलाते हो? अपना काम है सर, नाइट भी चला लो दिन में भी चला लो। अच्छा, मतलब ठीक ठाक से काम आ जाते हैं कि एप्लीकेशन से ठीक ठाक से काम आ जाते हैं आपको? हाँ सर, मैं डेली का मैं बता रहा हूँ सर, खर्चा निकाल के 7-8 सौ रुपए बचा लेते हैं। निकल जाते हैं ना? कितने घंटे लगभग चला लेते हो? कितने घंटे चला लेते हो? मैं वही बता रहा हूँ सर, अपना काम है, जब मर्जी आते। अच्छा, जब मर्जी निकल जाते हो? हाँ। ओके, ड्यूटी बज रही है सर, लेकिन ये बंदा फोन नहीं उठा रहा। फोन नहीं उठा रहे? खुद करेगा तभी। हाँ, 2 मिनट वेट कर लो, हो सकते बुक करके शायद उठाने का सिचुएशन में नहीं हो। कभी उबर उबर रैपिडो चलाए नहीं आपने? नहीं सर, नहीं चलाया। रैपिडो चलाई भी, लेकिन सर मैं इतना कंफ्यूज हो जाता था, दोनों ड्यूटी बज जाती थी। अच्छा अच्छा, इससे आपको रेगुलर कंटिन्यू राइड मिल ही जाता है? हाँ, इससे मिली। सारे कुछ खर्चा उठा के 7-8 सौ डेली का कमा ही लेते हो आप? ओके ओके ओके, 10 घंटे लगभग चलाते होंगे एक दिन में? मैं सर 7-8 सौ रुपये का काम करने का। हेलो, अच्छा ओके ओके ओके। तो दोस्तों भाई साहब जो है काली ओला चला के अपनी कमाई कर लेते हैं, और कुछ करते नहीं है, कहते हैं कि 7-8 सौ रुपये पूरा हो जाते उनका जब काम ख़त्म कर लेते, टाइम कोई फिक्स नहीं है। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं सारे कुछ चला लो। देखो जी, मैं भी देखो काली ऊबर ही चला रहा हूँ आप लोगों के सामने, आजकल की वीडियो आप देख रहे हो तो मैं काली ऊबर ही चला रहा हूँ। रैपिडो वगैरह है मैं चलाते नहीं, काम नहीं मिलते उसे परेशान है। काली ऊबर चला चला के आज रात को 10 बजे से अभी तक क्या 700 रुपये करीब मैंने भी कमा लिया। 10 बजे करीब राइड मिला था, तब से लेके अभी तक का। अभी क्या टाइम हो गया? 3 बज रहे अभी है ना। ब्रिज के नीचे सर मैं भी खड़ा हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ सामने होगा पीछे। हाँ सर, मैं ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ। चलो दोस्तों भाई साहब को राइड मिल गई, मुझे भी सुन के अच्छा लगा, जो चीज़ की जिसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी। मैं अभी अभी आया हूँ। हाँ हाँ, मैं भजनपुरा से काली आया, वहाँ पर राइड नहीं मिल रहा था, उधर नहीं मिलता। चलो जी, थैंक यू। चलो जी, ज़्यादा देर रुकने का ज़रूरत नहीं पड़ा, राइड मिल गया मुझे। दोस्तों एक बार मैं इस रूट में आया था किसी भाई को लेके, तो उसने मेरे को बोला भाई यहाँ से नहीं चलेंगे, राइट लेके वहाँ से चलेंगे, यहाँ से नहीं चलना चाहिए। मैंने पूछा भाई क्या हो गया, मैं यहाँ से चलते रहता हूँ। अरे नहीं यार, मैं यहाँ से नहीं चलूँगा, अगर यहाँ से चलेगा तो मुझे यहीं उतार दे। ये दोनों साइड में ऐसे एरिया है इसलिए तो नहीं है, मुझे पता नहीं है यार क्या चक्कर है। ये थोड़ा काली काली से लगते हैं जब पीछे ये देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। वो तो डर के मारे मुझे आगे से काफी घुमा के लेके गए यार, जब
हाँ हाँ कोई नहीं बैठो। अरे कोई नहीं, पहले पहुंचा दूं भाई को यार, पैसा तो बात की बात है। हाँ जी, आपने राइड बुक कर रखा है? हाँ जी, हाँ जी, पहले बुक किया था आपने, कैंसिल नहीं किया था? तो कैंसिल करना चाहिए था ना, खामा खा मैं इतनी दूर से आया, 3-4 किलोमीटर दूरी से, तो कैंसिल कर दो, वरना मेरी तरह कोई और भी आते रहेंगे यार, परेशान क्यों कर रहे हैं यार। अगर नहीं जाना तो कैंसिल करके जाना चाहिए आपको। ऐसे जगह से आए, इस आसपास कोई एक बस अड्डा है, बस एक फायर स्टेशन है और सामने, अब जाके कैंसिल किया उसने, राइडर कैंसिल। तो चलो नेक्स्ट राइड आया मोहम्मद, तीसरी मोहम्मद का राइड है, ये भी कोई फेक राइड तो नहीं है। अभी एक मोहम्मद भाई को छोड़ा था, दूसरी मोहम्मद भाई का बुकिंग आया था, अभी इनसे बात किया था तो कह रहे हैं कि मैं तो निकल गया हूँ भाई, कैंसिल नहीं किया, नहीं नहीं मैंने कैंसिल तो नहीं किया, तो मैं निकल गया। लोग ज़्यादातर लोगों को पता नहीं हो, ज़्यादातर लोग है ना सोचते हैं कि बुक करके अगर नहीं आया टाइम पे तो अपना भी कैंसिल हो जाएगा, पता नहीं क्या कैसे क्यों ऐसे सोचते यार, इनके तो पहले बात करके जाऊंगा। हेलो, हाँ जी भाई जी, आपने राइड बुक किया हुआ है क्या? ठीक है, कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया था। मैं आऊँगा 6 मिनट, ठीक है। तो इनसे तो बात होगी, 2.2 किलोमीटर है, 6 मिनट दिखा रहे, कैसे रोड है देख रहे हो, इसे कैसे जाऊंगा मैं। गड्ढे का कोई भरोसा नहीं है, बात यही है। कहीं आगे जाके बंद ना हो जाए, ये सोच के चल लो। चलो रास्ता ओपन है, आगे से गाड़ी, पुलिस की गाड़ी वहां तक आया हुआ है। चलो कंस्ट्रक्शन बारे चल रहा है, वो बेटा इतनी लंबी गाड़ी क्या चल रहा है। मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी नाक भी बंद हो रखी है। अरे आज जितनी भी राइड मिला ना, सारी ऐसा राइड मिला वहाँ इतनी धूल उड़ता है, मास्क पहनने के बाद भी मेरे नाक बंद हो गए, जुकाम हो गया। चलो जी, लद्दाख तो क्रॉस कर दिया मैंने, जस्ट मेन रोड पे आ रहा हूँ। चलो मेन रोड पहुँच गया, ओके, कहीं राइडर कैंसिल ना करे, वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, मैंने उनको 6 मिनट बताया तो पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं था, वो भी सकते कभी कभार कैंसिल भी करेंगे, अगर कोई और गाड़ी मिल गया तो उसमें बैठ के चले जाएंगे, ऐसा ही होता है। राइड कैंसिल करने का मन नहीं कर रहे, जो मैं काम करता हूँ मैं सीधे से करना चाह रहा हूँ, मैं फिर से उसी रूट पे लेके जा रहे हैं। पता नहीं यार ऊबर जी आप ऐसे क्यों लेके जा रहे हो,
मुझे साउथ की साइड ले जाओ, काफी दूर आ चुका हूँ। कुकर के चला गया क्या? मुझे लगता है ना पीछे से कोई अभी जस्ट पीछे से है ना एक बाइक वाला कैंसिल कर दिया, बस वही है भाई। एक मिनट यार, बस वही है, वो पीछे खड़ा हुआ था, उसने दो दो बाइक बुक कर रखा था। तो दोस्तों कैसे लगा आपको आज की वीडियो? आपने देखा लास्ट क्लिप में जो बंदा बुक कर दिया था, उसने दोनों बार बुक कर दिया, तो उससे पहले भी जो बुक किया था सेम ही बंदा था, क्योंकि मैंने वीडियो जूम करके पास करके जूम करके देखा था, जो ड्रॉप लोकेशन है सेम डाल रखा था दोनों में, उससे पहली वाली बुकिंग में भी और लास्ट वाली बुकिंग में भी। वो बंदा क्या है कि बस अड्डे से बुक करके किसी से लिफ्ट वगैरह मांग के बाहर मेन रोड पे आ गया, मेन रोड पे आके दो दो बाइक बुक किया, तभी बंदा बहुत तेज है, जहाँ ऊपर की बुक किया था उससे 100 मीटर 150 मीटर पीछे आके उसने दूसरी राइड बुक किया, ओला या राइड रैपिडो जो भी हो। तो मेरे को लगा था क्योंकि अगर उसी सेम एरिया में, मुझे डाउट लगा था उसी सेम एरिया में आसपास की बंदा अगर राइड पिक कर रहा है तो इसका मतलब है सेम ही बंदा होगा, ठीक है। तो मेरे को पहले से ही लगा था, फिर मैंने रुका नहीं क्योंकि पता नहीं होता, हो सकते पता नहीं होता यार, 99% हो सकता है, 1% नहीं भी हो सकता, हम खामा खाम जाके उनसे पूछे, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। तो जैसे मेरी पिकअप लोकेशन पहुंच गया तो वहाँ पर खाली मुझे दिख रहा था, तब मैं समझ गया था पीछे जो बंदा पिक कर रहा था तो उन्हीं के लिए, मैं उससे बात भी किया था, उसकी बातों से मेरे को लग रहा था कि 99% मुझे राइड मिलेगा नहीं, पता चल जाता है यार दिमाग लगा के, तो पता काफ़ी एक्सपीरियंस है यार, लोगों के बात करने से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। कैंसिल करते करते जो गाड़ी बाइक सामने से निकल रहा था ना, आपको मैंने पोस्ट करके दिखाया हुआ है, हायरोमार्क भी दिया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए, उसके हाथ में मोबाइल था, नीचे को देख रहा था, उसी टाइम मेरे राइड भी कैंसिल हुआ था। इतने में मैं समझ गया कि बंदा यही है, ऐसे ऐसे चलते रहते लोग राइड बुक कर लेते हैं। मैं तो बोल ही देता अगर मेरे सामने, मैं पूछता हूँ अगर नाइट में आपने कोई और राइड तो नहीं बुक कर रखा है, और वो तो कैंसिल कर देना, उनको मना कर देना, मैं तो सीधे बोल देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे जो परेशानी मेरे को होता है ना वो दूसरे को भी होता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी परेशानी किसी और का ना हो। दोस्तों ऐसे ऐसे सिचुएशन आते रहते हैं, मैक्सिमम हो सकता है कि लोगों को समझा दो, और लड़ाई वड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलो वीडियो यहीं एंड अप कर लेते हैं, और एक चीज़ और दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो पूरी देख लें, अगर स्किप करोगे या अदर वीडियो देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में नहीं आएगा, फिर आप मैसेज में मेरे से पूछोगे तो भाई आपको बताने में, मैं हो सकता है मैं आपको पता भी दूँ, हो सकता है आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊँ। तो दोस्तों अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेरी वीडियो की सारी डिटेल चाहिए तो आप पूरी देख लेना, तभी आपको मैंने, वैसे आपको जो भी पेट्रोल भी डालता हूँ उस दिन कितना कमाया भी हूँ ये सब कुछ वीडियोस में मैंने आपको दिखाया हुआ है, आगे भी बनाऊंगा मैं सारे प्रूफ, लाइव भी दिखाता हूँ आपको, पेट्रोल भी डालता हूँ, बार बार क्यों नहीं दिखाते, जो रेगुलर देखते हैं ना वो उनको फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं रोज़ एक ही सब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ। तो मैं दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट कोई वीडियो में आपको सारी डिटेल, कितना का पेट्रोल डालता हूँ और कितना चलता हूँ और कितना कमाया हूँ, कितना टाइम लगा, दोबारा मैं उसको दिखा दूंगा, ऑलरेडी दिखाया हुआ है कितने का पेट्रोल डाल के कितना घंटा काम किया और कितना कमाया हुआ है। कुछ दिन होने दो, कुछ सब्सक्राइबर और बढ़ने दो, तो मैं सबके लिए मैं बनाऊँगा ऐसे सारे डिटेल। चलिए दोस्तों, सुरेंद्र सिंह जी आपकी नाम तो मैंने ले लिया वैसे भी स्पेशल थैंक्स टू मेरी नए नए सब्सक्राइबर और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, काफ़ी लोग एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे लिए दुआ भी मांग रहे हैं जी, सलाम आपको।
और एक दोस्त भी मिल गए मुझे, रेगुलर मैसेज वगैरह करते हैं इंस्टाग्राम में, भाई आपको भी सलाम, और सारे मेरे अपने भाइयों को मेरी दिल से थैंक यू। और भी मेरी वीडियो देखते रहिएगा, पसंद आएगा तो लाइक भी कर देना। चलिए जी, आज का वीडियो एंड कर रहा हूँ, कल एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।